फिजा को बेकसूर साबित करने के लिए मेरे पास इससे बड़ा सबूत नहीं। हकीकत यही है, ये बताने के लिए मैं खुद आप लोगों के पास आया हूं। आई कांट बिलीव कोई इस हद तक बिगड़ सकता है। लेकिन मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, कोई किसी से इतनी नफरत क्यों करेगा, क्या वजह है इसकी? शीना मुमानी, वही वजह थी। दरअसल मुमानी, नताशा का रिश्ता आपके बेटे निसार से करवाना चाहती थी। अगर आप लोगों को फिजा पसंद आ गई, आप लोगों ने अपने बेटे का रिश्ता फिजा के साथ जोड़ दिया। बस यही बात मुमानी को बहुत बुरी लगी, उन्होंने बदला लिया। ओह माय गॉड, शीना इतनी चालाक और शातिर औरत है। लेकिन राजी, हमने तुम्हारे बारे में भी कुछ अच्छा नहीं सुना। मैं जानता हूं अंकल कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी सफाइयां पेश नहीं करूंगा आपसे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपको कि जिस तरह फिजा को बदनाम करने के पीछे मुमानी का हाथ था, इसी तरह हाथिया को बदनाम करने के पीछे फैजान का हाथ। यही हकीकत है। याद हो गई शीना से, अपने घर की बहू पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए उन्हें जरा शर्म नहीं आई? शर्मिंदा तो हमें भी होना पड़ेगा, जाने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे, उस मासूम सी बच्ची पे शक कर डाला। सही कह रहा था निसार, हमने इस काम में बहुत जल्दबाजी की है। अगर आंटी प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप लोग अपने फैसले पे जरा गौर कर लें तो हो सकता है कि अगर आप फिर से कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, मुझे नहीं लगता कि खतीजा दोबारा राजी होंगी इस रिश्ते के लिए। आंटी प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप एक बार कोशिश तो करके देखें प्लीज। हमें बेहद अफसोस है कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। बहरहाल हम कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी भी इसमें यही चाहत है। थैंक यू सो मच सर।